नमस्कार, मेरा नाम महेश मिश्रा है और आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में आपकी BTC या DLED चौथे सेमेस्टर से जो अंग्रेजी का कोर्स आपका चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके टॉपिक को लेकर के जिसके बारे में आज हमें बात करनी है, तो वो है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको आप आश्रित समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हो। एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, इसके पहले जो आपका मेन टॉपिक था हमने शुरू किया था कंजंक्शन एग्जैक्टली होते क्या हैं, उसके काफ़ी कुछ उसके तीन टाइप्स को लेकर के, ठीक है, आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वहाँ पर और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के भी चार टाइप थे, उनके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं दो वीडियोस में। ये आपका तीसरा वीडियो है जब आप कंजंक्शन को लेकर के बात करते हो, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। UPTET CTET वाले भी BEd BTC और इसके अलावा किसी भी कॉम्पिटेटिव पेपर्स की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में भी प्लीज़ वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प होती रहे। यहाँ पर दूसरा जो टाइप है कंजंक्शन का वो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट्स टू क्लॉज दैट डिपेंड ऑन ईच अदर, टू क्लॉजेज को जो है ये कनेक्ट करता है जो कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब इसका क्या मतलब है आगे देखते हैं। लिखा है इसमें यहाँ पे कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का शाब्दिक अर्थ है एक दूसरे पर निर्भर रहने वाला। क्या लिखा है? एक दूसरे पर निर्भर रहने वाला, ये होता है जब आप बात करते हो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को लेकर के। इनका प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने के लिए किया जाता है। एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है जो मुख्य है, सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। देखते हैं, द चीफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर, जो मुख्य सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें लिखा हुआ है आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो करके लिखा है आपका, फिर ऑल दो है, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, व्हाइल, देन, ये क्या है? कुछ आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कि प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने का काम करेंगे। एग्जांपल्स में देखते हैं, रीना वॉज फाउंड एज शी कम लेट। यहाँ पर देखिए एज का प्रयोग हुआ है इनको कंजंक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए। इफ़ ही कम्स आई शैल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊँगा, ठीक है। तो इफ़ करके लिखा है यहाँ पे। आई डोंट नो वेयर शी लिव्स, मैं नहीं जानता वो कहाँ रहती है, ठीक है। आई डो नॉट नो, तो यहाँ पर जो वेयर है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरीके से यूज़ हुआ है इस सी सेंटेंस में। नोट करके लिखा है, कुछ कंजंक्शंस नीचे दिए गए हैं जिनका प्रयोग शब्दों यानी वर्ड्स में, शब्द समूह यानी फ्रेजेस, वाक्यांशों, क्लॉज को वाक्यांश बोलते हैं, ठीक है, वाक्यांशों, क्लॉजेस, या फिर वाक्यों यानी सेंटेंसेस को जोड़ने में किया जाता है। जैसे आपका लिखा है एज वेल एज, ओके, यहाँ क्या है आपका एज वेल एज, उसके बाद क्या है अदरवाइज, फिर है और, एल्स, देयरफॉर, बोथ एंड, ये क्या है आपके जब आप बात करते हो यहाँ पर बोथ एंड करके जो साथ साथ में लिखते हो आप, तो ये क्या है आपके कुछ कंजंक्शंस हैं। कौन से कंजंक्शंस हैं? जब आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात करते हो। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रकार हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के, लिखा है डिपेंडिंग ऑन द वे द टू क्लॉजेज कनेक्ट, कैसे टू क्लॉजेज कनेक्ट करते हैं। जी कंजंक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, उन्हें फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। अर्थ के अनुसार सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस निम्न आठ वर्गों में विभाजित है। देखिए जी, अर्थ के अनुसार जब आप बात करते हो ना तो वो आठ प्रकार से हैं। देखते हैं भाई इसमें, फर्स्ट वन इज टाइम, जो समय का बोध कराए, दैट गिव्स या फिर इंडिकेट, किसको इंडिकेट करे? टाइम, जब समय को इंडिकेट करे या समय को बताए। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ए और बी सेंटेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है डू इट बिफोर यू गो होम, इसे करो घर जाने से पहले, ठीक है, घर जाने से पहले इसे करिए। बी सेंटेंसेस आई विल डू इट व्हेन आई फाइंड टाइम, मैं ऐसे कर दूंगा जैसे मुझे समय मिलता है। तो यहाँ पर देखिए जो समय का बोध कराए तो वो बिफोर वाले हो गए, व्हेन वाले हो गए, जो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको जो टाइम वाला है आपका आठ भाग वर्गों में जो बांटा गया है, पहला वाला आपका आपको समझ में आया होगा। सेकंड वन इज कॉज या फिर रीज़न, जो कारण बताए, दैट एक्सप्रेस द कॉज, जो कि कारण को रिप्रेजेंट करे। एग्जांपल में है आई डिड नॉट कम बिकॉज यू डिड नॉट कॉल मी,
आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आया, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि तुमने मुझे नहीं बुलाया, ठीक है। बी क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए कारण लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने जब मुझे बुलाया नहीं तो मैं आया नहीं। द वी सेंटेंस इज लेट अस गो टू बेड एट इट इज़ नाउ लेट, मतलब चलिए चलो अब चल के सोते हैं, है ना। अब ये जो है क्योंकि एज जैसा कि क्या है, अभी ये काफ़ी लेट हो चुका है, तो कारण ये है कि लेट हो चुका है काफ़ी भाई, अब हमें चल के सोना चाहिए। पर्पज थर्ड वन इज जो उद्देश्य का बोध कराए, इंडिकेट द पर्पज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है उसका बोध कराए, वो आपका आएगा थर्ड वाले में। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इसमें क्या है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं सो दैट, इसलिए हाँ जी क्योंकि हम जो है वी मे लिव, हम रह सके, जिंदा रह सके, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, खाते। तो यहाँ पर एक उद्देश्य है कि हम खाते हैं, तो क्यों खाते हैं, कि जिंदा रहने के लिए। बी क्या है, ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, है ना। ऐसे सेंटेंस आपको पिछले उसमें मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है, पर्पज़ को बता रहे, भाई मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, है ना। अगर कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम। फोर्थ वन इज प्लेस, क्या लिखा है, जो स्थान का बोध कराए, दैट गिव्स द इंडिकेशन ऑफ प्लेस, जो कि इंडिकेट करे प्लेस को, बताए इंडिकेशन दे प्लेस का, जगह का। एग्जाम्पल में है, फर्स्ट आपका सेंटेंस आई डोंट नो वेर, क्या ही वैन ही सॉरी वैन लिखा हुआ है, वैन ही कम्स, ठीक है। यहाँ पर प्लेस, चूँकि यहाँ पर कब आएगा वो, ऐसे उसमें आई डोंट नो नहीं पता है कब को लेकर के, या स्थान का बोध कराया ऐसे उसमें जो है, या फिर वेर आप लगाओगे, ये सबसे बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। ही फाउंड हिज वॉच वेर ही हैड लेफ्ट इट, यहाँ पर जो वेर है और ये जो सेंटेंसेस हैं आपके, वो किसका बोध करा रहे होते हैं, एक प्लेस को लेकर के, जो स्थान के बारे में बता रहे होते हैं। यहाँ पर वेर ही करिएगा, वेर ही कम्स, ठीक है, वैन नहीं, ये वेर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर स्थान का बोध कराएगा, तो कहाँ आ रहा है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता वो कहाँ आएगा, या आता है, वेर ही कम्स, वो कहाँ आता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताएगा, भाई टेंस बता चुके हैं, तो हिंदी में ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आप सीधे सीधे इसको पढ़ रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, वो बात अलग है कि आपने टेंस पहले पढ़ा है तब तो अच्छी बात है, ठीक है, जानते हो। अदरवाइज टेंस में एक एक चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, ठीक है, आपके लगभग 12-14 वीडियो में, वो आपका जैसे आप बात करते हो ना कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका फिर पास्ट हो गया, सॉरी प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, सबके चार चार पार्ट्स हैं, उसमें भी अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स थे, तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा उसको। फिफ्थ क्या है, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, यानी कि जो परिणाम की जानकारी दे, दैट इंडिकेट्स द रिजल्ट और आउटकम, जो एक आउटकम को लेकर के बात करें, एक रिजल्ट के बारे में बताए। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही वॉज सो सीरियसली इंजर्ड दैट ही कुड नॉट सर्वाइव, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली, बहुत ही गंभीर तरीके से वो घायल था, दैट ही कुड नॉट सर्वाइव, जिसे बचाया नहीं जा सका, ऐसे में है ना कि वह बच नहीं सका। बी क्या है, शी बिहेव्ड सो रूडली दैट एवरीबडी डिसलाइक्ड हर, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उसने बिहेव किया, ठीक है, रूडली बुरा व्यवहार, बुरे तरीके से, इसी तरह रूड व्यवहार होना एक व्यंग तरीके से आपका, मतलब गलत तरीके से, दैट एवरीबडी डिसलाइक्ड हर, है ना, जो जितने भी लोग थे सबने उसे नापसंद किया। ये पास्ट को लेकर के बात कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा सेंटेंसेस में। सिक्स वन इज कंडीशन, शर्त प्रस्तुत करता है, एक्सप्रेसेस अ कंडीशन और क्राइटेरिया, जो कि शर्त को लेकर के बात करें, कंडीशन क्राइटेरिया को लेकर के बात करें, वो चीज़ आपकी इसमें शामिल हो। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, विल गो इफ राहुल कम्स, मैं जाऊँगा अगर राहुल आता है, यहाँ पर शर्त है ना, अगर वो आता है तब मैं जाऊँगा। सेकेंड वन इज नेशन कैनॉट प्रोग्रेस अनलेस वी वर्क हार्ड, एक जो राष्ट्र है वो प्रोग्रेस या प्रगति नहीं कर सकता आज, अनलेस जब तक कि हम काम नहीं करेंगे, हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। ओके, द सी सेंटेंस इज आई विल डू दिस इफ आई एम अलाउड, मैं ये काम करूँगा अगर मुझे अनुमति दी जाती है, ठीक है, अगर मुझे अनुमति दिया गया तो मैं ये काम करूँगा, ठीक है। इफ़, तो यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन को लेकर के बात हो रही है। नेक्स्ट इज कंसेशन, रियायत या छूट देने वाले जो क्लॉज होते हैं उनको लेके, दैट कनेक्ट्स अ क्लॉज दैट गिव्स कंसेशन। एग्जांपल में है, आई विल ट्रस्ट हिम ऑल्दो ही बिट्रेड मी, बिट्रेड मतलब धोखा देना होता है,
मैंने उसे ट्रस्ट किया, लेकिन कंसेशन क्या है, ट्रस्ट किया, रियायत दी, छूट दी उसे, लेकिन उसने क्या किया, धोखा दिया। बीज ऑल दो यू डोंट लाइक हिम यू कैन स्टिल बी पोलाइट, ऑल दो जबकि यू डोंट लाइक हिम, तुम उसे पसंद नहीं करते, यू कैन स्टिल बी पोलाइट, तुम स्टिल पोलाइट मतलब जो एक होता नहीं है कि नम्र स्वभाव का होना, रह सकते हो। एंड जो आठवां है आपका वो क्या है, कंपैरिजन, ऐसा कंजंक्शन जो तुलना करता है, कंपेयर करने को लेकर के, दैट कंपेयर्स, एग्जांपल क्या है, शी इज स्मार्टर देन आई एम, ठीक है, कंपेयर कर रहा है, शी इज स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है जितना मैं हूँ उससे ज़्यादा, है ना, स्मार्टर देन आई एम, ही स्पेंड्स मोर देन ही अर्न्स, वो जितना कमाता है उससे ज़्यादा खर्चा करता है। एंड थर्ड वन इज इट इज डार्कर टुडे देन इट वॉज यस्टरडे, यस्टरडे जितना डार्क था उससे ज़्यादा डार्क जो है वो क्या है, आज है। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन को लेकर के बात करते हो, कंपेयर कर रहे होते हो, और आशा करते हैं यहाँ पर जो आपको सेकंड प्रकार का जो कंजंक्शन था आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अर्थ के आधार पर जो आठ प्रकार के भेद बताए थे वो भी आपको एक एक करके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोरिलेटिव कंजंक्शन को लेकर के बात करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाकी दोस्तों सहपाठियों के साथ में भी। जल्द ही मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।